हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और मैं रेखा गुजर आप लोगों का करती हूँ अपने चैनल पर स्वागत। और जैसे कि हम कई बार बोल देते हैं, बहुत कुछ देते हैं कि जैसे मैंने बोला था कि पूरी चाट बनाएंगे, तो मैंने सोचा कि राज कचौड़ी बना लेते हैं। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, इमली वगैरह भिगो दी थी, लेकिन कई बार हम बोल के भी वो काम नहीं कर पाते हैं, कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं। मैंने कल वीडियो ही नहीं डाली फिर, क्योंकि बेटी को हो गया था फीवर और मौसम ऐसा चल रहा है तो हो जाता है बच्चों को। आज ही थोड़ा ठीक है तो आज मैंने वीडियो बनाई है और आज ही अपलोड करूँगी वीडियो। और बाकी मैंने बोला था एक दिन कि क्वेश्चन बनाने हैं तो नहीं बना पाई हूँ। जो बोल देती हूँ वो तो होता ही नहीं है कभी, ये तो हो जाता है, कोई कारण हो जाते हैं ऐसे कि कई बार हम कह देते हैं लेकिन वो काम हम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए आज जो भी बना है, और उसके लिए सॉरी जैसे भी वीडियो बना है। अगर आप चाहो तो इमली में, अगर घर में ड्राई फ्रूट वगैरह हैं जो भी घर में आपके पास है चटनी में, लाल चटनी में, वो डाल सकते हो। और मैंने कुछ नहीं मंगाया, सोडा तक नहीं डाला हम लोगों ने उसमें आटे में, तो बगैर सोडा था नहीं, हमने मंगाया नहीं, फीवर था हिमांशी को। लेकिन हम खुद परहेज करते हैं, अभी ठीक है हिमांशी। तो गोलगप्पे में उससे हमें एक्सपीरियंस हुआ कि अगर हम नहीं डालेंगे, यही सीख मिली, बगैर अगर आप सोडा नहीं डालते हो तो और भी टेस्टी और क्रंची बनते हैं गोलगप्पे, आप कभी बना के देखिए। मैंने तो कल यही सीखा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। चलते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए गाइस, ये इमली है, ये मैंने शाम को भी भिगो दी थी। मुझे नहीं पता था हिमांशी को बुखार हो जाएगा, बहुत कुछ बनाने वाली थी लेकिन बना नहीं पाई। और ये जो बाहर से आवाज़ें आती हैं इसे प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि अलग से भी आवाज़ डालते हैं तो वो तो आएगी ही, घर से बाहर तो जा नहीं सकते। और ये है इमली, मैंने कर लिए मिक्स। और ये अब हम चीजों में भी बहुत टाइम लग जाता है, ऐसे लगता ही है कि बड़े आसानी से काम हो जाता है। टिक्की वगैरह बनानी बहुत आसान है लेकिन टाइम तो असली में ही लगता है, पूरा तो दिखा नहीं पा रहे हैं, बहुत टाइम लगा है छानने में। और में डाल लेंगे चीनी, डाल देते हैं जिंजर पाउडर। और जैसे कि आपको बता ही चुकी हूँ, गरम मसाला हम लोग खाते नहीं है तो घर में भी नहीं रखते ऐसा कोई मसाला। और इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर और हम लोगों को तीखा पसंद है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कम या ज़्यादा कुछ भी कर सकते हो। ये देखिए, ये हरी मिर्च की चटनी बनानी है। धनिया काट लिया मैंने, मिर्च है, इसमें दही डालनी है और नमक डाल लेंगे और बना लेते हैं चटनी हरी मिर्च की। ये ले चुकी हूँ मैं गेहूँ का आटा, और इसमें डाल लेंगे हम 2 चम्मच सूजी, 1 छोटी कटोरी आटा है, चम्मच मैंने आधी ली थी इसलिए। और अब इसमें डाल लेंगे हम घी, दो चम्मच घी ले लेंगे, नमक डाल लेती हूँ थोड़ा सा। और अब हम इसे कर लेंगे मैश आटे में अच्छी तरह से।
देखिए आटे में घी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और मैंने मैश भी कर लिया है इस तरह से पूरा। और अब इसमें लड्डू बनने लगे हैं, तो इसका मतलब इसे आटे में पानी मिला के और हम आटा लगा सकते हैं। ये देखिए मैं पानी डाल के गूंथने लगी हूँ, पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसमें। टाइट ही लगाएंगे, मम्मा आटा गूंद रही हो या कुश्ती लड़ रही हो? कुश्ती लड़ रही हूँ। इसमें बड़ी मेहनत हो गई है हर चीज में। ये एक हफ्ते का सारा गुस्सा आटे पे निकलता हुआ बहुत ज्यादा। और ये मम्मी और आटे की लड़ाई होती हुई, मम्मी हावी होती हुई आटे पे, और आटा अच्छे से गूंथ चुका है। तो इस आटे को गूंथने के बाद हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसे हम ढक के रख देंगे अभी थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा करेंगे इसके साथ में पूड़ी का चाट। हमारा आटा लोई ले चुकी हूँ मैं, और अब इसे बेल लेंगे। पूड़ियाँ, क्योंकि हमें बनानी है पूड़ी चाट। इस तरह से इसे हटा लेंगे, ये बन गई है हमारी पूड़ियाँ। ऐसे उठा लेंगे, अब डाल देंगे हम। और आटा हमारा कढ़ाई हो चुकी है, बोलने की गलती नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से फूल गई हैं बगैर सोडा डाले। देखिए गोलगप्पे कितने अच्छे बन चुके हैं। पूड़ियाँ तैयार हैं इस तरह से, और अब इसमें हम डाल लेंगे ये आलू। में हमने मिर्च और चाट मसाला डाल लिया है। हम इसमें धनिया भी डाल सकते थे, लेकिन धनिया हमने सारा पीस लिया है। और अब स्वाद अनुसार नमक इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पूरी होती हो चुकी है स्टेक तैयार, अब हम बनाएंगे पूड़ियाँ। इस तरह से कर लेंगे, पूड़ियाँ फोड़ लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे, देखिए आप देख सकते हैं हरी मिर्च की चटनी मैंने बना ली है। और ये लाल ये चटनी है इमली की, ये दही है, ये हमने आलू जो हमारे घर में सामान था उसी से बनाई है, बाहर से कुछ भी नहीं मंगाया है। इमली भी हमारे घर रखी हुई थी पहली, ये देखिए। ये बना रही हूँ मैं पूड़ी चाट। ये है इमली की चटनी, अब डाल लेंगे हम इसमें। और ये हमारा चाट मसाला जो हमारे घर में सामान था उसी से ही बनाया है। इस तरह से खाएं, ये है हमारी पूड़ी चाट। इस तरह से बनाएं और खाएं और बताएं किस कैसा लगा, और आप लोग भी खा लीजिए।